हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत चौहान। आज फिर हम लोग एक टॉपिक लेके आ रहे हैं परसेंटेज के बारे में, ठीक है ना। देखो आपको अगर आपको लगता है कोई कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ आता, मैं सिंपल वे से इसको कराने की कोशिश करता हूँ। अगर लगता है कि फिर भी कोई कंसेप्ट है जाता तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका रिप्लाई जरूर कीजिए, ठीक है। प्रतिशत, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, ठीक है ना। प्रतिशत क्या चीज होती है, ठीक है ना। एज फ्रॉम द वर्ड परसेंट या प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है वटा सो, द टर्म विच, ऐसी कोई भी टर्म जिसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, यानी अगर मैं यहां में 50/100 लिखता हूं तो ये प्रतिशत आ जाता है, ठीक है ना। ये प्रतिशत होता है 50%, 50%, ठीक है। यू कैन राइट इट एज ए 50%। कोई भी टर्म जिसके नीचे 100 आ जाता है, दैट इज नोन एज प्रतिशत, ठीक है। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें प्रतिशत को साधारण बिंद में बदलो, वो मैंने आपको बता दिया। जैसे आपको किसी ने बोला कि इसको आपने साधारण बिंद में बदलना, तो कैसे करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। आपने ये करना है कि इसको 50% को मैं लिख सकता हूं 50/100, 0 0, 5 × 5, 5 × 10, ठीक है ना। तो ये आ गया 1/2, ये इसकी कौन सा आया, फ्रैक्शन या भिन्न रूप में, ठीक है ना, जिसको आप भिन्न भी बोलते हैं। मैक्सिमम टेस्टों में आ जाता है कि कोई परसेंटेज है इसको भिन्न रूप में लिखो, ओके। सो आगे चलते हैं, वी आर गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक का दशमलव बिंद में व्यक्त कीजिए, दशमलव बिंद में लिखना, ठीक है। दशमलव बिंद का मतलब क्या होगा, राइट इन टू ए डेसिमल फॉर्म, दशमलव बिंद में लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल की 0.06% है, इसको दशमलव बिंद में लिखना, ठीक है। हाउ कैन यू राइट दिस इन द डेसिमल, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपने, यहां पे 6/ ये जो डेसिमल है पहले इसको खत्म करना, और परसेंटेज वाला डेसिमल आपने ओवर 100 करना, मतलब ये प्रतिशत ये आ गया और ये वाला आ गया आपका डेसिमल। अब इसको इकट्ठा कर दो 6, 1, 2, 3, 4 एज यू विश। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख में तक लिख सकते हो तो 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 0.0006, दैट इज योर आंसर, क्लियर। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद क्या आता है आपके पास, 9/16 को प्रतिशत में बदले, ठीक है। 9/16 को प्रतिशत में बदले, अब 9/16 है क्वेश्चन, 9/16 को आपको बोला कि प्रतिशत में बदले, ठीक है। प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या हो गया कि इसको परसेंटेज में लिखना है। मैंने पहले आपको बोला परसेंटेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, 9/16 को परसेंटेज में लिखने का सबसे बड़ी तरीका क्या होता है कि 9/16 मल्टीप्लाई बाय 100, आगे प्रतिशत, जब इनटू 100 कर दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, इसके नीचे प्रतिशत यानी डिवाइड बाय 100, यहां मल्टीप्लाई 100 दिया, मतलब यू कैन से दैट कि दैट इज इन द परसेंटेज फॉर्म। ये अब आप जब भी आप इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे तो उस टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप परसेंटेज को तोड़ेंगे तो उस टर्म को 100 से डिवाइड करेंगे। मैं एक बार फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, या लिखना है तो लिख देता हूं, जब भी आप परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से, जब भी आप परसेंटेज में, ठीक है, लिखना चाहते हैं, मतलब समझ आया कि नहीं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल भी मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 15 है,
इसको मैंने परसेंटेज में लिखना, कुछ नहीं, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यह परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। 3/2 है, इसको परसेंटेज में लिखना, इसको कुछ नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट ऑल आर इन परसेंटेज, ठीक है ना। मोहन को मैं लिखना चाहता हूं, आप मतलब आप मोहन हो गए, आपको परसेंटेज में लिखना चाहता हूं, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मोहन परसेंट हो गया। इतना सिंपल होता है परसेंटेज में लिखना, बस एक सिंपल सी समझने की बात है। परसेंट मतलब अब आपका, जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय, इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या मतलब हुआ, 100 कैंसिल हो गया, मोहन आपके पास आ गया, यू आर अवेलेबल देयर, ठीक है ना। तो यही है, जब भी आप परसेंट में लिखना चाहते हैं तो गुणा करना है किसके साथ, 100 के साथ। नंबर वन, एक छोटा सा एक टॉप ये है, आप इसका चाहे लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट एज, ठीक है। उसके बाद अगर आप परसेंटेज को सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो, जब भी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न रूप में लिखना चाहते हो, भिन्न आप जानते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। ये आप लोगों की तरफ से ही आया था कि सर आप इंग्लिश कम करो, तब मैं थोड़ा सा हिंदी में कर रहा हूं कोशिश, ठीक है ना। जब भी आप परसेंटेज को भिन्न में लिखना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज ए डिवाइड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल भी 50% है तो 50% को आपने कुछ नहीं करना, 50 / 100, दैट इज परसेंटेज, 1/2, ठीक है ना। वो होता है परसेंटेज को भिन्न रूप में लिखना, जब भी आप परसेंटेज में लिखना चाहे गुणा करना 100 के साथ, जब भी आप परसेंटेज को भिन्न में लिखना चाहे तो भाग करना 100 के साथ। ये दो रूल बता दिए मैंने आज 100 के साथ, ये और टिप्स होने चाहिए आपको, अगर आपको लगता है तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जब भी आप परसेंटेज में लिखना चाहे गुणा करना 100 के साथ, जब भी आप परसेंटेज को भिन्न में लिखना चाहे यानी परसेंटेज को एलिमिनेट खत्म करना चाहे तो भाग करना 100 के साथ, दैट इज योर, आप परसेंटेज को और परसेंटेज ना को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक मेरे पास बुकलेट है, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व करने के लिए, दैट इज ए, ठीक है, कुछ टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे पैरामेट्रिक के लिए आता है, रिटन टेस्ट के लिए आता है, आरबी के लिए आ जाता है क्वेश्चन, इस तरीके के परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क और लिखा जाएगा 50% का, नहीं 50% का नहीं, का 52%, सॉरी इसका, इस टर्म का 52% इज इक्वल टू 182 है, फाइंड दिस टर्म, यू हैव दैट दिस टर्म इज इक्वल टू एक्स, माना इसको आपने क्या मान लिया, एक्स, एक्स का 52%, ठीक है, एक्स का 52%, एक्स इंटू 52/100 इज इक्वल टू 182, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, एक्स इज इक्वल टू 182 इंटू 100/52, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, दैट इज योर आंसर 350, दैट इज ऑप्शन में आपके पास बी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आएंगी, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 354, बी ऑप्शन में 350, सी ऑप्शन में 360 एंड डी ऑप्शन में 380, ठीक है। सिंपल वे से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू, सिर्फ आपने अपनी फ्रिक्वेंसी को सिंपल वे से लेके आना है, बहुत सिंपल है, ठीक है।
मैथ को अगर आप लोग सिस्टमेटिकली जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूं ना उस हिसाब से धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज आप हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे परंतु फर्स्ट स्टेज में आप बेसिकल मैथमेटिक्स करेंगे कि परसेंटेज क्या चीज होती है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन देखते हो परसेंटेज वाला दिमाग में आ जाता है, नहीं यार ये जो क्वेश्चन मैंने किया नहीं, ये सेवन्थ में कराया था मैं, ये भी मिसिंग कर गया, नहीं ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे। बस साइकोलॉजिकली आप इसको तरीका आना चाहिए, साइकोलॉजिकली पॉजिटिव और तरीका आना चाहिए। बहुत तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया, परसेंट मतलब बटा सौ, ठीक है ना, पर मतलब डिवाइड बाय हंड्रेड। तो मैंने यहाँ पे इस टर्म को इसने ऐसा बोला था, मैंने यहाँ पे मान लिया, ठीक है एक्स मान लिया, तो दैट इज द योर आंसर। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो मेरे को बता देना, तो हम लोग इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1260 का 33 इसको 1/3% प्लस 755 का 80%। देखो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आएगा वाइब्रेशन चलने लग पड़ती है, नहीं यार ये दो दो क्वेश्चन हैं बहुत मुश्किल हो जाएंगे, नहीं आएगा। पर नहीं, ये क्वेश्चन जितना आप सोचेंगे उतना आपको डराएगा, और जब आपने बोलिए नहीं करना है क्वेश्चन तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, तरीका है बस, यू हैव टू जस्ट वे हाउ टू कैलकुलेट। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, पेपर का अडेप्टेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग बेसिक क्लियर करो 1260 का 33 होल 1/3% कुछ ऐसा था, प्लस 755 का 80%। इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, दो दो परसेंटेज भाई, एक परसेंटेज डराने लग पड़ती है मेरे को, दो दो परसेंटेज मैं तो बस क्वेश्चन को देखा नहीं और बारह साहब के तोते उड़ गए। कुछ नहीं करना है, 1260 का सिंपल दे 1260 का मतलब इंटू 33 इंटू 1/3/100 और इसको ना कैलकुलेट कर लो 755 का 80% ओवर 100, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 33 3 99 प्लस 100 1260 इंटू 100/3 प्लस 755, अगर कैलकुलेट करना है कर लो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। 5 2 10 5 1 5 5 5 25 5 1 5 2 4 8, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गए, वैसे ये भी कैलकुलेट हो गया, 100 के साथ 100 कैंसिल, 1260/3 और ये भी हो गया कैलकुलेट, तो दैट इज ए 4 1 4 5 4 20 4 1 4 2 6, ठीक है आपके। तो ये आ गया आपके पास, इसके साथ करेंगे 3 4 12 3 2 6 0 4 2 0 and 6 0 ऐड किया 4 2 and 6 plus, ठीक है 1024 CO C is the option 1024 CO, ठीक है। A option में दिया हुआ है आपके पास 976, 952 B में, C में 1024, ऐसे ही है क्वेश्चन कुछ, ठीक है ना। माइनस का भी करके देख लो आप लोग, अगर आपको लगता है, मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दे देता हूं आज का होमवर्क, आप देखना अगर बाई में नहीं आते तो ठीक है, आपका हर एक जो रिस्पॉन्स होता है वो मेरे लिए आगे मोटिवेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो आप रिस्पॉन्स दीजिए, अगर नहीं आता है, अगर देर इज सम लैकनेस, कुछ कमी लग रही है आपको, ठीक है ना, कि नहीं ऐसे नहीं सर और कोई बड़ी तरीका, उसके लिए भी हम लोग जा सकते हैं, मैं और बेसिकल जाऊंगा और सिंपल बेसिक जाऊंगा, परंतु आपकी तरफ से रिएक्शन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको जो होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, आप साथ में यहां पे मैं कर देता हूं थोड़ा सा मिटा के, क्वेश्चन है आपके पास 540 का
75% का, देखो यहां पे दो का आगे पजल नहीं होना है आपने, ठीक है, 125 का तीसरा का भी आ गया, जिस चीज से डरोगे वो चीज और डराएगी, और जिस चीज को डराएगी वो सेकंड टाइम में, ठीक है, घुटने टेकेगी। मैथ एक ऐसी चीज है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइडिया मैं थोड़ा सा दे देता हूं, या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर ही देंगे सोल्व भी, ठीक है। ये इसका परसेंटेज निकाली, मल्टीप्लाई करके 75 इंटू मल्टीप्लाई करके 1:2 इंटू मल्टीप्लाई करके 2:3 दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप में, 420 का 25% एंड 140 का क्या होगा परसेंट 70। अच्छा, ये थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा पेचीदा नहीं हो सकते, थोड़ा सा गरारी है बस, थोड़ी सी अगर दिमाग में आ गया तो सो। 25% है 420 का, 420 इंटू 25 ओवर 100, नेक्स्ट क्या है माइनस 140 का, आई थिंक यहां पे इंटरवेशन है, यस, और इसका परसेंटेज भी है इज इक्वल टू 77। एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन फिर, हाँ 420 का। अच्छा, ऑप्शंस भी दे देता हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि नहीं हम लोगों ने से किया कि नहीं। 540 का 7 वाला ना, इसकी ऑप्शन है 378, फर्स्ट ऑप्शन 378, बी ऑप्शन आपकी है 756, सी ऑप्शन है 252 और डी ऑप्शन है 33। ठीक है, कई एग्जाम में ई ऑप्शन भी आ जाती है, ठीक है ना, तो उसमें अप्रोक्त में से कोई नहीं, यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो, ठीक है। उसके बाद ए ऑप्शन में है, इसमें देखेंगे वो ए ऑप्शन में है 420 वाला ना, 25, 36, ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 36, सी ऑप्शन 20, डी ऑप्शन 40, ई ऑप्शन इनमें से कोई, ठीक है। तो आप लोग बताना अगर चलता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है जो आज का आपका होमवर्क है, उम्मीद है कि आप करेंगे, गलत भी होगा कोई बात नहीं, डोंट वरी, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं, बाय।